And agreeing that your particulars in a speech of the following. First, क्या लिया गया आपको? 46 ग्राम Na atoms. Na मतलब सोडियम. आपको मास दिया गया कितना? 46 ग्राम. Now, मास दिया गया है. हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल है. नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक ही शब्द में दिखा दे रहा हूँ. नंबर ऑफ एटम या तो फिर पार्टिकल ऑफ एन. तो जिसको हम क्या बोलते हैं? एन. क्या बोलते हैं? एन. तो ऐसा कुछ सिखा था मैंने. नंबर ऑफ मोल पूरा लिखता हूँ. एन इक्वल्स टू एन अपॉन एन. क्या है? तो यहाँ से n कहाँ जाएगा? n के बाद. हाँ, मतलब यानी कि small n into n. तीन नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा भी फॉर्मूला था पता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. दो फॉर्मूला थे पता है ना? एक एटम के नंबर से तथा मास से. मास के लिए अपन मॉलिक्यूलर मास. मास अपन मॉलिक्यूलर मास इनटू एन. अब मास कितना है और एटम का? सॉरी सोडियम एन. एन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? डबल करने दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में. 23. कितना है? 23 इनटू 6.022 क्रॉस 10:20. अगर आप यही चीज रेडी नहीं करोगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल कैसे आएगा? यू हैव टू प्रिपेयर इट ना. सो 46 डिवाइड बाय 23 व्हाट इज दैट? 2. दैट इज इक्वल्स टू 2 2 4. 2 2 4. 2 0 0. 2 6 12. क्रॉस 10:23. क्लियर हुआ यहां तक? आया ना? That much particles. ऐसा भी चलेगा. और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है तो 1.2044 क्रॉस 10:2. एक पॉइंट आगे गए ना, लेफ्ट हैंड साइड गए ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है. 23 की जगह पे क्या आएगा? 24. दोनों आंसर वैलिड है. ओके, समझ में आ रहा है? चलो सेकंड केस पढ़ो. सेकंड में क्या दिया गया है? बोला है 8 ग्राम मॉलिक्यूल्स. 8 ग्राम ओटो मॉलिक्यूल्स है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला बताया था अभी? एन इंटू एन ए. क्योंकि एन का फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन एन ए. तो एन चाहिए तो एन इंटू क्या हो जाएगा? एन ए. और n का फॉर्मूला दूसरा क्या था? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. अब ध्यान देना, मास यानी कितना दिया गया है? कितना दिया गया है? 8 ग्राम. और कैपिटल M कितना होगा? कैपिटल M कितना होगा बोलते जाना. कैपिटल M कितना होगा? 16. बोलो वापस, कैपिटल M कितना होगा? कैपिटल M कितना होगा? क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? O2. एक ऑक्सीजन का 16 होता है. कितना होता है? 16. तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा? 2 × 16. आंसर इज 32 ग्राम पर मोल. सो एम की जगह पे क्या रखे? 8. नीचे कितना आएगा? एन ए की जगह पे क्या रखे? 8 से कितना कट करेंगे? 6.022 डिवाइड बाय 4 क्रॉस 10:4. 4 वन सा बोरोली मत बोरोली डिवीजन करना है. बहुत कर लिया वो ऐसे कर करके. तो 6 में से 4 गया ना. 4 वन सा 4. 6 में से 4 गया. कितना बचेगा? कितना बचेगा? सब लोग बोलो, बाकी बैठेंगे. जो बोले वो शांति से बोले. 2 और 0 बाद में 0.
पॉइंट आया तो पॉइंट रख दिया, 4 5 20, फिर वापस क्या आया 2, उससे 5 चलेगा नहीं, तो उसका क्या लगाएंगे, ए टू और ए टू साथ में मिलकर क्या बनाएंगे, 4 5 20, 22 में से 20 गया, 2 बचा, फिर पीछे 0 लगाएंगे, तो 4 5 अगेन 4 से डिवाइड करना है, 4 5 20 इंटू 10 रेज़ टू 23, क्लियर। अब अगर हमें मानो कि इसको और फॉर्म में ले जाना है तो 1.5, ये 5 निकालना है, मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, यानी कि तीसरा डिजिट निकालना है, थर्ड डिजिट इज 5, आगे 1 ऐड करेंगे, 5 या 5 से मोर देन हो तो आगे क्या ऐड करेंगे 1, 1.51 क्रॉस 10^2 क्या बोल सकते हैं 23। आगे क्या बोला है आपको, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कितना मोल बोलो, 0.1 मोल, ओके थर्ड वन, सो नंबर ऑफ सी एटम कार्बन एटम एन इक्वल्स टू विच फॉर्मूला, एन इंटू एन ए, इसमें हाँ मैं वही बोल रहा था और वही सोच रहा था कि कितने एम बोले, इसमें एम की जरूरत नहीं है भाई, ऑलरेडी एन इक्वल्स टू 0.1 मोल दिया है, देखो आप क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है, 0.1 मोल, यानी कि n को क्या बोलते हैं मोल, 0.1 मोल ऑलरेडी गिवन, 0.1 इनटू Na का वैल्यू 6.022 क्रॉस 10^23, अब ध्यान देना 0.1 को 10^-1 बोलते हैं, 0.1 यानी 1/10 ना, और वो 10 ऊपर आएगा तो 10^2 क्या होगा -1 इनटू 6.022 क्रॉस 10^23, इट्स अ 6.022 क्रॉस 10^23 माइनस 1, 6.022 क्रॉस आया, समझ में आया ना, चलो साथ में एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, शांति से ध्यान देना, 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. ये दोनों का compound था 0.24 gram का, इसमें से 0.096 gram क्या है और 0.144 gram क्या है oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. आपको क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट, शांति से समझते जाना, परसेंटेज वाला चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़े हो ना, क्या करते हैं हम, मुझे किसी के परसेंटेज निकालने हो तो क्या करते हैं, ओके मतलब कि आपका कुछ फेक्ट नहीं आ रहा, बट इतना तो आपका माइंड में क्लियर है कि एक फ्रैक्शन आएगा डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर इनटू क्या करना है 100, तो वो समझते परसेंटेज मास ऑफ बोरोन, बोरोन का क्या लेते हैं बी सिंबल, ओके तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो दैट इज मास ऑफ बी यानी कि बोरोन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या करेंगे 100. मास ऑफ बोरोन कितना दिया है, मास ऑफ बोरोन 0.096, टोटल मास कितना दिया था 0.24 क्रॉस क्या करेंगे 100. अब ध्यान दो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, अगर सेम डिजिट होते ना पॉइंट निकल जाता, तो इसको सेम डिजिट बनाने के लिए पहले जीरो पीछे जीरो ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट थे यहाँ पे भी 3 डिजिट दिख रहे हैं, आया ना, अगर ऐसा हो तो सिंपली 0096 लिखने की जगह पे 96 लिख सकते और 0240 लिखने की जगह पे क्या लिख सकते तो 100. एक सिंपल सा मेथड है जो कोई भी बुक में नहीं है बट इट इज ट्रू, अदरवाइज आप क्या करते बताए, आप ऐसे करते 96 इसका 1 2 3 पॉइंट का ले जाते
नीचे, इसका 24 लिखते, इसका दो पॉइंट का ले जाते ऊपर, यानी कि 100, फिर ये दो जीरो कट कर दे, फिर 10 इंटू 24 क्या आया, समझ ली? इतना करने में गलती हो सकती है, बट मैंने जो मेथड सिखा है एक बार माइंड में फिट कर लो तो गलती नहीं है। हमें पॉइंट निकालना हो तो पॉइंट के बाद ऊपर नीचे कितने कैसे डिजिट करना है, सेम जैसे इसमें 3 डिजिट थे और इसमें कितने डिजिट थे, तो उसको 3 करने के लिए हमने पीछे के ऐड कर लिया, आया समझ में? और फिर पॉइंट सिंपली निकाल दिया, ऐसे अब करने की जरूरत नहीं रही, आएगा ना? जब भी पॉइंट का पैसा मैथमेटिक्स में आएगा, साइंस में आएगा ना? सिर्फ क्या करना है हमें, सिंप्लीफिकेशन, इट्स अ 240, 00, नाउ 24, 4 जा 96, बताइए याद, अगर याद ना हो तो 6 4 जा 24 और 16 6 जा 96 और फिर 4 से 16 को कट करेंगे 4, 4 इंटू 10 14, यानी बोरोन का कितना परसेंटेज है, लाइकवाइज आपको किसका परसेंटेज फाइंड करना है, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144, टोटल मास इनटू पॉइंट के बाद कितने नंबर नीचे, दो, पॉइंट के बाद ऊपर, क्या करो कहाँ पे लगाओ, पॉइंट के बाद तीन, पॉइंट के बाद तीन हो गए, इट्स 144 अपॉन 240 क्रॉस 00 अब 12 टू जा गुड और 12 जा 144, 12 का स्क्वायर है पता है ना, और 2 से कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 10 और वैसे पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन एंड बोरॉन था, पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन और बोरॉन था ना, तो 160 प्लस 40 100 हो गया, या तो फिर दूसरी तरह से फाइंड करना होता, परसेंटेज मास ऑफ ओ इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज मास ऑफ बोरॉन, 100 माइनस बोरॉन का कितना मिला था, ये भी चलता तीन स्टेप में, बट जनरली हम ऊपर वाला करेंगे, कुछ इसको ना समझे तो राइट ही है, टोटल दो पर दो कंपाउंड से ना, तो दोनों का परसेंटेज कुल मिला के कितना होने वाला है, एक का अगर 40 फाइंड कर लिया तो दूसरे का अल्टीमेटली क्या होने वाला है, तो वो वाला मेथड भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, दोनों से सेम मिला ना, कोई मेथड अप्लाई करना है। नंबर टू, व्हेन अ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन अ 8 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन को बर्न करना है, कितने ऑक्सीजन में, 8 ग्राम ऑक्सीजन में, तो मास ऑफ कार्बन हाउ मच ग्राम एंड मास ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच ग्राम, 8 ग्राम, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, तो मास ऑफ CO2 कितना है, 11 ग्राम, What mass of the carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in a 50 gram of oxygen? And which law of chemical combination will govern your answer? Okay, वापस एक बार बात पढ़े शांति से, क्या बोला है, 3 gram of carbon burn होता है कितने gram of oxygen के साथ, 8 gram, कितना gram of carbon dioxide मिलता है, 11, कितना मिलता है, 11. So what is the mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram carbon is burned in a 50 gram of oxygen? कितना होगा? कितना होगा? 50. एक आंसर आया 53. एक आंसर आया कितना? 50. और मेरा बोलना है 30, तो बट ऑब्वियसली आप सोचोगे कि समेशन करना है, क्या करना है, समेशन,
बट समझो आपको गिवन क्या है, मतलब कि क्या दिया गया है आपको, दिया गया है कि 3 ग्राम कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन O2 कन्वर्ट्स इनटू 11 ग्राम CO2। अब हमें वापस भी कितना ग्राम कार्बन दिया है, 3 ग्राम। अब 3 ग्राम कार्बन सिर्फ सामने कितने के साथ रिएक्शन करेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अब 3 ग्राम कार्बन कंज्यूम हो गया तो सामने कितना कंज्यूम होगा ऑक्सीजन, 8 ग्राम। और फिर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 50 ग्राम। बचेगा कार्बन, बचेगा नहीं, आपके पास कार्बन कितना है, 3 ग्राम, और ऑक्सीजन 50 ग्राम। 3 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन को यूज करता है, 8 ग्राम। समझ में, तो 3 ग्राम कार्बन बर्न हो गया और सामने कितना ऑक्सीजन खलास हो गया, 8 ग्राम। अब 50 में से 8 खत्म हो गया, कितना ऑक्सीजन बचा, 42 ग्राम। एज अ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दोनों चाहिए, ऑक्सीजन प्लस कार्बन। तो क्या हो गया, खत्म हो गया, 3 ग्राम का 3 ग्राम का 3 ग्राम खत्म हो गया, इसीलिए ऑक्सीजन बाकी बचेगा, यानी कि प्रोडक्ट आपका सीफो से कितना ग्राम CO2 मिलेगा, 11 ग्राम। सो आंसर इज 11 ग्राम CO2 बाय बिकॉज 3 ग्राम कार्बन कैन रिएक्ट विथ ओनली 8 ग्राम O2 and remaining 50 minus 8 equals to 42 gram O2 is not convert into CO2 because there is no carbon. Aaya samajh mein? And this law is, aapko dusra bhi pucha hai, कौन सा लो है, लो ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, ऐसा पढ़े थे हम चैप्टर के स्टडी में, लो ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। आया समझ में, इसीलिए कार्बन ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी में ही रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CO2। 3 ग्राम कार्बन सीफो से कितने रिएक्ट कर सकता है, 8 ग्राम O2 के साथ, और बाकी का O2 वैसे रहेगा। पर यही क्वेश्चन में अगर आपको इस जगह पे 3 ग्राम की जगह पे क्या कर दिया होता, व्हाट इज योर आंसर, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता, बोलो, C plus O2 gives CO2। आपने यहाँ पे कितना ग्राम दिया था, यहाँ पे कितना, तो कितना ग्राम मिला था, 11। अभी आपने यहाँ पे कितना ग्राम लिया है, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो कितना आपका आंसर क्या होता। आया समझ में, अगर कोई वेरी करके आएगा ना, उस पर कितना ऑक्सीजन बाकी बचेगा, रिमेनिंग ऑक्सीजन यूज कितना हुआ, 16 दिया, कितना था, 15 ग्राम, कितना गया था, कितना बाकी बचा, 34 ग्राम। अगर आपको ऐसा बोल दे कि चलो 18 ग्राम कार्बन यूज होता है, तो ये जो भी यहाँ पे 3 था ना, उसमें से 6 या 6 से यहाँ पे वापस कितना कर देते हैं, 18 ग्राम, तो क्या क्या चेंज आएगा, कितना आएगा, 48। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को भी कितने से करना पड़ेगा, आज समझ में, अभी दोनों का समेशन, या तो फिर यहां से इसको मल्टीप्लाई, आपका आंसर आएगा हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लो रिमेंस सेम, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, लो के बारे में कुछ लो चेंज होने वाला नहीं। अब इस बार कितना ऑक्सीजन बाकी बचा,
टू ग्राम। बोलो डाउट। अब ऐसा बोल दिया जाता, ये बहुत हायर लॉजिक हो गया, ऐसे लॉजिक इलेवेंथ में आते, फिर भी ऐसा बोल दिया जाता कि मानो कि 21 ग्राम कार्बन दिया है और ये कितना दिया है 50 ग्राम, तो इसका कितना ग्राम 21 ग्राम, तो 3 इंटू क्या किया 7, तो 8 इंटू 7 कितना होता 77। बट दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिकल, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास कितना था और यहाँ पे कितना दे रही 56, तो आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हो 18 ग्राम तक प्रेडिक्ट कर सकते हो बराबर, उसके बाद अगर 3 इंक्रीज करना हो 1 इंक्रीज करना हो तो 14 प्लस 8 कितना बचेगा 56, मतलब क्या बोल सकते हो 56 ग्राम से तो ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि कार्बन हमारे पास कितना है 21, ऑक्सीजन 56 नहीं है तो 77 ग्राम से क्या मिलेगा कम, ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन में कितना रहेगा, मतलब पूरा ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन से भी पूरा बनेगा नहीं, पर इतना फिक्स है कि 18 ग्राम कार्बन अगर होगा तो कितना मिल जाएगा, और उसमें क्या है मतलब कि 66 ग्राम से मिला जाएगा या फिर से मिला जाएगा, और उसमें क्या होगा बोलते हैं अब तो ना सर्वल केसेस में ऑक्सीजन पहले ही मिला था उसमें 50 का 50 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और बाकी कौन बचेगा कार्बन, और बाकी बचा रहेगा कार्बन, आया समझ में, इट इज नॉन थर्मिक रिएक्शन हो रहा है ना, उसमें कुछ रिएजेंट पार्ट ले रहा है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिमिटेशन आ रहा है एक्सेस अमाउंट में प्रपोजल डी अमाउंट में नहीं, बट ये सिर्फ आपको क्लियर होने पर है, कब पढ़ना है 11 का मतलब ये भी खत्म हो गया डाउट, एक्स्ट्रा जो करवा में ना आए बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको काम आए, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट मिल ओके थ्योरेटिकल है तो ना बोलिए एटॉमिक आयंस वन हो गया एग्जांपल में एग्जांपल पता है ऐसे जिसमें कैसे ज्यादा एटम है उसके ऊपर क्या है चार्ज, याद आ रहा है ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव अ सम इलेक्ट्रिक चार्ज, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ओके, अब मैंने ऐसा बोला था सबको ऊपर जो पीला आता है ना वो याद रखने का, एनसी का क्या होता है प्लस टू, सीएल का क्या होता है माइनस, फिर ऐसे नीचे जाएगा एक्सरसाइज दी थी ऐसे आपको मैंने जिसलिए फिर कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर प्लस टू ओ के ऊपर टू माइनस दोनों इक्विवेलेंट होते हैं तो सीधा क्या बचेगा कॉपर नाइट्रेट दिया मैंने कॉपर CO प्लस टू NO3 माइनस ओके तो बनेगा CU NO3 ट्वाइस ये इधर जाएगा, बट जब पॉली एटॉमिक आयन होता है तो उसको कहाँ पे रखना होता है इसको सॉल्व करने लगे ना तो वो टेबल ओपन रखना, टेबल से आपको ये चार्ज लेना है और फिर आपको क्या करना है लिखना है, कॉपी नहीं करना है कहीं से भी, एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस थ्री और सीएल का थ्री का आएगा एलसीएल कैल्शियम कार्बोनेट सीए का प्लस टू और सीओ थ्री टू माइनस तो क्या आएगा सीए सीओ थ्री, आया समझ में, एक ही बार हो तो पॉली एटॉमिक एक ही बार हो तो ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, आ रहे हैं रूल्स यार ओके, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, पिक लाइन यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, आपको फॉर्मूला याद आएगा तो आप नेम दे पाओगे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें, कैल्शियम है ऑक्सीजन हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr फॉर्मूला भी बना दिया जाते हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन बेकिंग पाउडर यस नडुना हाथमा को थ्री ऐसे बोले थे NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन थोड़ा कितने एलिमेंट्स है चार, देखो फॉर्मूला याद आते तो कैसे मस्त आंसर आएगा, बट ये फॉर्मूला याद रखना है लेसन कैसे
एग्जाम में पूछेंगे और नहीं आएगा, क्या याद रखना है आपको, तभी आपको एलिमेंट्स याद रहेंगे और नॉट बी पैनिक। आप लोग एग्जाम पेपर को देखे ऐसे ऐसे हो जाते हैं, शांति से पढ़ो क्या पूछा है उसका आंसर देना है। पोटेशियम सल्फाइड का फॉर्मूला कहेगा, पोटेशियम का ए प्लस सल्फेट होता है फॉर्मूला क्या बनेगा A2SO4। अब आपको फॉर्मूला नहीं बताना था, क्या बताना है, बट फॉर्मूला बनेगा उसके बाद एलिमेंट बता पाओगे। बोलो कौन सा एलिमेंट है, पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन। आई समझ में कैलकुलेटिंग मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। चलो मैं 6 नंबर करवाता हूं, इथाइन क्वेश्चन नंबर 6 उसका फर्स्ट, इथाइन मोलर मास ऑफ C2H2 इक्वल टू, ध्यान देना, 2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ, आप एम लिखोगे तो चलेगा इसमें, सी प्लस 2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ एच। तो सी का एटॉमिक मास बोलो 12, कार्बन का कितना आएगा 12। मैंने बोला था याद रखना, हमने तो फंस जाओगे चैप्टर में, पूरा चैप्टर आएगा लेकिन ये वैल्यू याद नहीं आएगी, लिखना ही करना है, फिर याद नहीं रखना उसको। फिर यहाँ पे 2 into 5 + 2 आंसर लिखना हो तो ऑलवेज लिखना ग्राम पर मोल। नंबर 2 किसका है, ऐसे एक मॉलिक्यूल, तो मोलर मास ऐसे यानी कि 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एस, एस यानी सल्फर। चलो सल्फर का एटॉमिक नंबर कौन सा है, कौन से नंबर पे आता है, कितने पे आता है 16। तो एटॉमिक मास के लिए क्या करेंगे, डबल कितना करेंगे 32। तो 8 2 16 का 6 कैरी 1, 8 3 24 एंड दैट 1 ग्राम पर मोल। खड़ा करवाओगे ना सब लोग साथ में मिलके, क्या है देखो कुछ में आपको दे देंगे, जैसे हमें नहीं दिया जाता तो हम जनरली क्या सोचते 15 का डबल 30, बट उसका 30 नहीं लेना है, क्या लेना है, वेरी गुड, सोडियम का क्या याद रखा हुआ है 93, वैसे फॉस्फरस का क्या है 91 याद रखोगे ना। चलो बट अभी मैं क्या लिखूं, तो जब फॉर्मूला मोलर मास ऑफ P4 4 इनटू एटॉमिक मास ऑफ P, बोलो 4 कहां से आया सुजल, क्या है, हाँ तो इसी वजह से पूरा है एसिड में एड का से समझ में आया। फिर अभी आपको ऐसा भी बोल दिया मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट सल्फर मॉलिक्यूल में एस ए होता है। फिर बोले मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस में कितने एटम होते हैं 4 इंटू 4 वन सा 4 थ्री सा 122 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको आता है, ओरली किसका हो गया, ओरली माइंड में किसका हो गया, किसका हुआ जमी, क्या आएगा एटॉमिक मास कितना आएगा, बोलो निरंजन, नहीं टोटल मास ऑफ पहले एच,
प्लेस एट ऑफ सी एल. हाइड्रोजन का तो सिंपल है वन और सी एल का 35.5 बाई 1918 ऐसे जो आंसर आ रहा है. अभी तो बुला है जस्ट एक सेकंड हुआ था पता है ऐसे बोला था ना फॉस्फोरस में 35 याद रखना है तब सीएल में क्या आएगा ऐसा भी बोला था तो आपने बोला था 35.5 फिर दो मिनट में गलती कितना आएगा 36.5 ग्राम पर मोल आया समझ में याद है. नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड HNO3 तो मोलार मास ऑफ HNO3 इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ N प्लस ये थ्री कौन लिखेगा 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O. अब देखो 11th और 9th में प्रॉब्लम फर्क क्या है आपको अभी फॉर्मूला भी दे देते है ना. 11th में ऐसा बोला जाएगा कि फाइंड दी मॉलिकुलर मास ऑफ HNO मॉलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है HNO3 तब जाके आपको ये आएगा कि एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ N प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O. तो अभी जो सीख रहे हो वही 11th में आएगा सिर्फ लेवल चेंज हुआ तो अभी से क्या ना क्यों ना सीख ले कि नाइट्रिक एसिड को क्या बोला जाता है HNO3 जो मैंने अभी किया बोला वो आपको एग्जाम में भी दिखने मिल सकता है ऐसा नहीं कि आपको ऐसा पूछेंगे कि नाइट्रिक एसिड एटॉमिक मास फाइंड करना है लो फॉर्मूला HNO3 तो एग्जामिनर ना भी दे इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेम्बर दैट नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं क्या फॉर्मूला होता है HNO3 सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का क्या होता है NaCl सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है H2SO4 वाटर का क्या होता है H2O सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से भी कुछ नहीं होगा. अब इसके बाद आपको एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या याद रखना है वन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन ओके कितना आएगा 14 एटॉमिक नंबर 7 है तो कितना आएगा 14 प्लस 3 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 कितना आएगा 16 1 प्लस 14 एन 3 इंटू 16 5 एंड 8 कैरी 1, 1, 1, 1, 2 एंड 4 63 ग्राम पर मोल आया समझ में. व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास क्या होगा आपको पूछा गया है और हरे हरे में मास क्वेश्चन 7 उसमें क्या है ए डायरेक्ट अभी फॉर्मूला याद कराऊं तो n इक्वल्स टू मास के लिए क्या था m अपन m और इसीलिए m इक्वल्स टू क्या होगा मुझे m चाहिए n इंटू m n कितना मोल दिया है 1 मोल बोला है ना 1 मोल और नाइट्रोजन के लिए m मतलब एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना था आंसर क्या आया समझ में. चलो b 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स. अब एल्यूमिनियम का नंबर है 13 कितना है जनरली आप कुछ नहीं दिया होता तो 26 कर लेते गलती ना करो इसलिए आपको क्या दिया गया कुछ भी दिया जाएगा बट अगर आपको एग्जामिनेशन में ना भी दे तो आपको याद रखना ही है टेबल बना दो घर पे जाके और लगा दो डेस्क पे जहां पे बैठे हो पढ़ने हर रोज उसको पढ़ो तो याद रहेगा. जैसे हम स्टार्टिंग में स्कूल जाते थे तो हमें नेशनल एंथम में सिर्फ दो ही लाइन आती थी कौन सी जय हे जय फिर क्या किया टीचर ने वही आता था लास्ट में ध्यान देते थे अब आया जय हे. आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं मैं किसी के लिए गलत बोल रहा हूँ सबका यही एक्सपीरियंस है ना फिर आपके क्लास टीचर ने आपको 100 टाइम्स लिखा होगा लिखा नहीं तो किसी ने होमवर्क दिया था कैसे आया कैसे आया हर रोज सुन सुन के रिपीटेशन कर करके अब टॉप टू बॉटम याद रह गया ऐसा ही होता है ना. आपको कोई प्रेयर नहीं होती है स्कूल में नई प्रेयर बोलते हैं तो पहले दो दिन तो समझ में नहीं आता कौन सा वर्ड चल रहा है फिर जब उसका रिपीटेशन हो जाता है पूरे साल में तो आपको लास्ट में वो प्रेयर आती है कि नहीं आती
कौन से क्लास टीचर ने प्रेयर लिखनी थी? कोई उसका होमवर्क देता है? बोलो फटाफट चलो। नहीं देता है ना? कोई नया मूवी आया हो अजीत सिंह का, गाना चल रहा हो, किसने होमवर्क दिया? अजीत सिंह ने, शाहरुख खान ने। फिर भी गुनगुनाते हो, कौन सा फेमस गीत है आपका? कोई ध्यान हो मुझे नहीं पता। माला भाई, माला किसने सिखाया? नहीं कोई सिखाता है चीजें, नहीं सिखाते, बट फिर भी एक दो चीज है, एक तो रिपीटेशन और जो वो सुनते हो तब कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों से आपके माइंड में फीड हो जाती है ना, ये दोनों चीज की यहाँ पे भी जरूरत है। रोज पढ़ो, रोज पढ़ोगे तो आपको सामने याद रह जाएगा कि फॉस्फोरस का 31, का 37, क्लोरीन का 35.5, जो और है उसको तो याद रखना है। किसको याद रखना है? जो और है, मतलब कि डबल करने से थोड़े ज्यादा है, जो सीधा डबल हो रहा है, जैसे नाइट्रोजन का 7 याद कर लो, सीधा डबल 14, तो उसमें कोई दिक्कत? फिर हाइड्रोजन में डबल मत करना, हाइड्रोजन का 1 पर ही है, 1 का डबल 2 नहीं करना है। वैसे और आपको याद रखने, क्लियर? तो 27 आया, अगेन मास फाइंड करना है, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोल? मास अपन मॉलिक्यूलर मास, तो मास इक्वल्स टू n इंटू मॉलिक्यूलर मास। n कितना मोल दिया गया था? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास कौन सा गिवन गेस? 4 × 27, बोलोगे मैं? 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8 and 2, आया समझ में? एंड सी 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड दिया है, बट जैसे इसमें मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास था, इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 था, ऐसा यहाँ पे कुछ दिया है, आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO3। तो मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड क्या होता है? वो Na2SO3 इक्वल्स टू, बोलो फॉर्मूला। Na कितना है? 2, बोलो बराबर। एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ S, मतलब प्लस, ये तो S का में तो 1 है ना, 3 किसका है? ऑक्सीजन का, तो 3 ब्रैकेट O ऑक्सीजन, चलो 2। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ Na? अभी बोला था कि याद रखना पड़ेगा, 11 का डबल 22 होता है, बट 22 लेना नहीं है, कितना है? फिर सल्फर का 16 का डबल कितना होता है? 32 प्लस 3 ऑक्सीजन का 16, 8 नंबर है एटॉमिक, डबल कितना होगा? 16, चलो 2 × 23 46 होगा ना, 2 × 3 = 6, 2 × 4 प्लस 3 × 16, 6 × 2 = 8 and 8 = 16 का कैरी 1, 1 and 4 = 5 and 3 = 8, 8 and 4 क्या आया? 126 ग्राम पर मोल। बट आपको तो क्या फाइंड करना था? मास। तो n इक्वल्स टू क्या होता है? m अपन m इंप्लाइज मास। m इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा? n इंटू m, कितना मोल दिया गया था? 10 मोल, सो 10 × 126, तो 1260 ग्राम। अगर किलोग्राम में बोलना हो तो 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड, तो 3 पॉइंट्स आ गए, दैट मच किलोग्राम।